लाइकवाइज थैंक थिएटर यू. में मूवी रिलीज हो चुकी है डॉक्टर जी, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक. आपको क्या कुछ रिस्पांस मिला है, कैन यू शेयर विद अस? ऑफ कोर्स काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है. वी आर वेरी हैप्पी विद द वे पीपल हैव अप्रिशिएटेड द फिल्म, और उन्हें कंटेंट जो काफ़ी डिफरेंट लगा है, और लोग हंस रहे हैं थिएटर्स में. सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस हैं वो इतने प्यारे हैं, आई कान टेल यू कि दिल खुश हो जाने वाले मैसेजेस हैं. एंड जो वीकेंड पे भी जिस तरह का एक सेंटिमेंट रहा है, दैट्स रियली मेड अस वेरी हैप्पी. लोगों को कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, फिल्म पसंद आ रही है, और हमारा जो मेन इंटेंशन था, जो मोटिव था कि एक हंसते खेलते वे में आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर पाएँ, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएँ, सो वी आर वेरी हैप्पी कि लोगों को वो समझ आ रहा है. सो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी, आई थिंक मिडवे थ्रू द फिल्म, और मैं कई इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ, दिस वॉज वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स की इंटरवल पे ही मुझे पता था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज ये इतनी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑन पेपर. क्योंकि कई बार आप इम्प्रोवाइज करते हैं जब एक्टर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं, फिर आप शूट पे इम्प्रोवाइज करते हैं, बट ये ऑलरेडी इतनी एक बोलते ना कड़क स्क्रिप्ट लग रही थी. सो जब हमने शूट शुरू की, इनफैक्ट आयुष्मान एंड आई स्पोक अबाउट इट कि हम दोनों को ये बहुत सॉलिड स्क्रिप्ट लगी थी, जस्ट बिकॉज एक न्यू टॉपिक है, और इस तरह का टॉपिक गायनोकोलॉजी का पे कभी कोई फिल्म नहीं आई है, एंड इस टॉपिक को ह्यूमरस वे में और इमोशनल वे में कन्वे करना मुश्किल है, बट द वे इट वॉज हैंडल्ड, वो मुझे उसी टाइम पे पता था कि मुझे ये फिल्म करनी है. और डॉक्टर फातिमा का जो भी जो रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो बहुत ही शी माइट बी फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं है, बट शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, शी इज़ वेरी ऑफकोर्स शी इज़ अ डॉक्टर सो शी इज़ प्रोग्रेसिव, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड यू नो स्ट्रॉन्ग इन हर हेड, ओपिनियनेटेड एंड वेरी राइटियस. ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों को आपका डायलॉग वगैरह काफी पसंद आने लगे थे, कुछ डायलॉग सुनाना चाहेंगे आप? आई थिंक मेरा एक डायलॉग है जहां आयुष्मान कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट तो खेला पर लड़कियों के साथ बैडमिंटन नहीं खेला. सो आई टेल हिम दैट अगर तुमने बचपन में लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता ना तो आज ऐसी बेकार बातें नहीं करते. सो दैट इज़ जस्ट लाइक अ वे टू से कि मे बी डॉक्टर उदय कैरेक्टर डिंट नो वट इज़ राइट और रॉन्ग, बट द सोसाइटी एंड द पेट्रियार्कल सोसाइटी और जो आपकी कंडीशनिंग हो जाती है कि लड़कों को लगता है कि एक तरीके से बिहेव करना है कि वो यू नो, तो अगर तुमने बचपन से लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेला होता तो आज ऐसी बातें नहीं करते. जी, हमने देखा भी आप काफ़ी रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रही थी लड़कियों को लेकर, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है लड़की को रिस्पेक्ट देना, ये तो काफ़ी लोगों को पता है. आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा नहीं, मतलब ऐसे मैं जाके किसी को ये नहीं बोला रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट हाँ मैंने झाड़ा है अगर कोई कुछ ऊपर नीचे बोलता है, बिकॉज वहाँ मेरे अंदर एक फौजी का खून है तो वो एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है. और मैंने ऐसे सड़क पे भी, जब मैं बहुत छोटी भी थी, कॉलेज में थी, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे एंड समबडी वॉज फॉलोइंग अस एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स, एंड आई थिंक आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 6-7 गर्ल्स, तो वो हमारी अपने फ़ोन पे से फ़ोटोज़ ले रहा था, तो किसी ने बोला कि यार ये आदमी हमको फॉलो कर रहा है हिल रोड नैनीताल पे. सो आई जस्ट वेंट, आई सेड क्या फ़ोटो ले रहे हो, मतलब मैं गुंडी, सो क्या फ़ोटो ले रहे हो, तो आई हेल्ड हिज कॉलर, स्नैच्ड हिज फोन एंड ऑल दैट कि तोड़ दूंगी मैं, यू नो. सो आई ऑलवेज फील दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ इफ देर आर सम पीपल हु आर नॉट बिहेविंग द राइट वे, बिकॉज ओनली देन हमारी सोसाइटी एक बैलेंस्ड सोसाइटी हो सकती है. बिकॉज इफ़ यू के नॉट रिस्पेक्ट विमेन who are responsible for bringing life on this planet, then I don't think you are worth respect yourself. You know, talking about caste, how's the experience with working Ayushman, sir? Ayushman experience was amazing. He's an amazing guy, very, very talented, comes with a exuberant energy, बहुत dedication के साथ काम करते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. बात करें director की, तो आपने इस movie में हमारी फिल्म का जो थॉट है वो ये है कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, मेल या फीमेल नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी से देखा जाता है. जिस उसी तरह डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, मेल या फीमेल से उसका
कोई क्रेडिबिलिटी का कनेक्शन नहीं है. वो अच्छे डायरेक्टर हैं या वो अच्छे डायरेक्टर नहीं है. एंड आई थिंक अनुभूति इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी नुएंस्ड. काफ़ी डिटेलिंग पे ध्यान देती हैं. उन्होंने अपने डेब्यू के लिए इतना यूनिक कॉन्सेप्ट चुना. सो आई विश हर ऑल द लक. ये डॉक्टर जी की कहानी आपके पर्सनल लाइफ से कितना रिलेट करती है अगर कुछ? नहीं, मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ से तो रिलेट नहीं करती. बट आई एम श्योर एक रिफ्लेक्शन है. मैं आपको ये ज़रूर एक एनेक्डोट बता सकती हूँ कि जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज 15-16 ईयर ओल्ड, तब मुझे एक बार गायनेक के पास जाना था और वो मेल थे. एंड आई माई सेल्फ फेल्ट अ लिटिल शाई, यू नो, मुझे लगा कि ओ नो मेल डॉक्टर. बट मेरी मॉम मेरे साथ थी, सो देन इट वॉज़ फाइन. और मुझे नहीं मालूम कि कब ये ओवर द ईयर्स चेंज हो गया, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव दैट थॉट एंड आई नेवर हैड इट बिफोर द फिल्म ऑल्सो. लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये थॉट तो मुझे भी एक बार आई थी. वो तो बिकॉज मुझे एक्सपोजर मिल गया, एक ग्रोथ मिल गई, यू नो, जस्ट एक्सपीरियंस मिल गया लाइफ में. यू नो, जब आपको जब आप इवॉल्व होते हैं और अगर आप सही तरीके से इवॉल्व होते हैं या आप ग्रो करते हैं, तो देन दीज थिंग्स डोंट मैटर. बट देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अभी भी इसे टैबू समझता है या यू नो अनकम्फर्टेबल है एक मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए, गायनोकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली, विच इज़ वॉट आई रिलेटेड कि यार ये बात में तो सच है. एंड विच इज़ वॉट आर फिल्म इज़ ट्राइंग टू से कि अगर आप किसी भी और सर्जन के पास जाते हैं, ब्रेन, हार्ट, तो आप बोलेंगे मुझे बेस्ट डॉक्टर देना, आप मेल या फीमेल नहीं देखेंगे. तो आप यूट्रस के पास आते ही क्यों शाय हो जाते हैं? कब बनी मैं लॉयर भाई? बॉलीवुड की मूवीज. अच्छा, दोबारा लेना क्वेश्चन. बॉलीवुड की मूवी लॉयर पे भी निर्भर है, साइंटिस्ट पे भी निर्भर है, डॉक्टर पे भी. तो ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप इन फ्यूचर करना चाहती हो? हाँ, मैं एक लव स्टोरी करना चाहती हूँ. आई रियली रियली वांट टू डू अ लव स्टोरी. सो आप काफी देर तक काम करती हो एज अ ऑडियंस को लगता है और आप करती भी हो. तो अगर ऐसा हो कि आपके घर पे कोई नाराज हो जाए कि आप उनको ज्यादा टाइम ना दे पा रही हो, तो कोई है ही नहीं घर पे, मैं अकेले रहती हूँ. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बता रहे जैसे, तो कुछ मनाने के लिए उनको आप क्या कुछ करना चाहोगे? नहीं, आई डोंट थिंक मेरे अराउंड ऐसे कोई भी लोग हैं जो मेरे प्रोफेशन को नहीं समझते. मैंने बहुत हार्डवर्क किया है. 18 साल की उम्र से मैं लगी हुई हूँ एक्टर बनने के लिए. आई थिंक मेरे पेरेंट्स से लेके मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास का जो भी सर्कल है, दे अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माय वर्क एंड दे नो दैट मैं जेन्युइनली ऐसी इंसान हूँ जो अगर हो सकेगा तो मैं वो 15 मिनट भी निकाल के टाइम निकाल लूँगी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम एंड आई हैव वन. इसी के साथ साथ इस दिवाली आप थैंकॉड में भी दिखने वाली हो, क्या कुछ, कितना एक्सपीरियंस, कितना अच्छा रहा आपका? और सेठ सर के साथ बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और मैं अभी तो उसी मोड में हूँ कि थैंक गॉड फॉर डॉक्टर जी, यू नो, एंड वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद इंदु जी, विद सेठ. सेठ के साथ मेरी तीसरी फिल्म है. या आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नाउ. एक तरफ आयुष्मान सर, एक तरफ सेठ सर, क्या कुछ डिफरेंस दोनों में, क्या कुछ अलग अलग बातें होती थी? दोनों अलग इंसान हैं, सो ऑफकोर्स अलग लोग हैं एंड हर इंसान अलग होता है. सो आई कांट रियली कंपेयर द टू, बट बोथ आर अमेजिंगली डेडिकेटेड एक्टर्स. डॉक्टर जी के शूटिंग के टाइम बात करें तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जो मेमोरेबल रह जाता है, कुछ ऐसा हुआ हो जो? आई थिंक ओवरऑल जो इस फिल्म की शूटिंग थी वो काफ़ी प्लान्ड थी. काफ़ी मज़ा आया हमें शूट करके. बहुत, एक्चुअली बहुत ही फन यूनिट थी एंड एवरी वन वॉज यंग एंड एनर्जेटिक एंड ट्राइंग टू मेक समथिंग न्यू. और हम इलाहाबाद में थे, भोपाल में थे और हमने बहुत खाना खाया वहाँ पे. बात करें अगर टॉलीवुड की, तो जिस तरह से टॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, सो काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के ट्राइंग टू डू टॉलीवुड मूवीज, साउथ मूवीज, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना फेयर हो जाता है कि अगर आपका सवाल ही गलत है. ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है. आई थिंक टॉलीवुड इज़ मेकिंग ग्रेट फिल्म, आई थिंक हिंदी इज़ मेकिंग ग्रेट फिल्म एंड आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक ही देश में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि हर रीजनल सिनेमा भी फ्लरिश कर रहा है, हिंदी सिनेमा भी फ्लरिश कर रहा है और बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं. और अगर आप एक बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स लाके एक फिल्म बनाए, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म बना सकते हैं. मतलब इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ सो डाइवर्स इन इट्स कल्चर,
तो किसी को ऐसा नहीं है कि कोई इधर से उधर काम करता है कि इधर पसंद नहीं है. आई थिंक एवरी इंडस्ट्री हैज़ बीन सस्टेनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स विद सम क्रेडिबल वर्क बिकॉज दे आर गुड. और रीमेक की बात करें, काफ़ी सारे गाने भी रीमेक होते हैं साउथ के और मूवीज भी रीमेक हो रही, ये किस बेसिस पे लोगों को लोग काफ़ी अलग तरीके से ले रहे हैं कि रीमेक 70s से हो रहा है. आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया की एज में हैं. 70s, 80s, 90s बहुत टाइम से रीमेक हो रहा है. हिंदी का उधर होता है, उधर से हिंदी होता है, वेस्टर्न इंडिया में होता है, स्पैनिश फिल्म्स होती हैं. तो रीमेक्स एक कल्चर है फिल्म इंडस्ट्री का हमेशा से. यू नो, कभी स्पैनिश फिल्म रीमेक होती है, कभी फ्रेंच होती है. सो आई थिंक आई डोंट हैव एन ओपिनियन. इफ समबडी वॉन्ट्स टू मेक अ रीमेक, शो. एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन, आपने लास्ट मूवी थिएटर में कौन सी देखी हुई है आपकी मूवी के अलावा? डॉक्टर जी मेरी मूवी के अलावा आई लास्ट सॉ, व्हिच मूवी डिड आई सी इन द थिएटर, मैंने विक्रम वेदा की टिकट्स खरीदी थी पर मैं गई नहीं थी बिकॉज मैं लंदन में थी. तो मैंने सिर्फ एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री टिकट्स खरीदी थी. उससे पहले क्या, ब्रह्मास्त्र. थैंक गॉड के बाद क्या कुछ है पाइपलाइन? थैंक गॉड के बाद छतरी वाली है एंड दो और फिल्में हैं जो मैं शूट कर रही हूँ. डॉक्टर जी के लिए इंटरव्यू और उससे समथिंग फॉर द ऑडियंस. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड प्लीज़ वॉच डॉक्टर जी, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ वॉच डॉक्टर जी एंड प्लीज़ कीप गिविंग अस योर लव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.